नमस्कार, वेलकम टू नमिताज गोल्डन किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर के हलवे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी प्रोपोर्शनेट सारे उसके इंग्रेडिएंट्स, जो कि एकदम अच्छे होने चाहिए, उससे हमारा हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो आइए शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। ये हमने सबसे पहले गैस जला दी, गैस पर कढ़ाई रख दी है। उस पर सबसे पहले हम ये जो मावा है जिसे खोया कहते हैं, ये हमने 100 ग्राम करीब ले लिया है। इसको हम पहले थोड़ा सा भून लेंगे। ये हमने टुकड़े करके डाल दिया है इसमें, हम इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। देखिए मैं खोया थोड़ा भून गया है, हमने बस ज़्यादा लाल नहीं करना, हल्का ही भून के इसको सॉफ्ट करना है बस। और इसको हम एक बर्तन निकाल लेते हैं। चलिए अभी इसी कढ़ाई में हम डाल लेते हैं 1 चम्मच देसी घी। और अब डाल देते हैं, ये देखिए हमने जो है 1 किलो लाल गाजर अच्छी इसको ग्रेट करके रख लिए। अभी हम इसको घी में डाल देते हैं। हमें गाजर बहुत अच्छी लाल ही लेनी है। अगर इसके अंदर कभी कभी बहुत सी गाजर में पीला होता है, अंदर पीला है, जिसमें उसको हम काट के निकाल देंगे या वो गाजर यूज़ नहीं करेंगे, खाली रेड गाजर ही यूज़ करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा हमने इसको मिक्स करके अब इसको थोड़ा सा ढक के रख देंगे, जिससे ये गाजर जो है अपना पानी छोड़ेगा और थोड़ा दब भी जाएगा। हम इसको कवर कर देते हैं और थोड़ा गैस पे कढ़ा रख देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारा गाजर ने पानी छोड़ दिया है और हमारा गाजर भी थोड़ा दब गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। 1 किलो हमने गाजर लिया था तो हम इसमें 1 किलो ही करीब दूध डालेंगे। फुल क्रीम दूध है, हमने 1 किलो फुल क्रीम दूध डाल रहा है इसमें। दूध से बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनता है। और इसमें जब एक बार बॉयल आ जाएगा तो हम इसको एकदम धीमी आंच पे करके छोड़ देंगे और धीरे धीरे बीच बीच में से चलाते रहेंगे। एकदम स्लो गैस रखेंगे, इससे कि हमारा नहीं, अगर हम तेज़ गैस रखेंगे तो उबल उबल के दूध बाहर गिरेगा, इसलिए हमें बहुत स्लो में पकाना है। और स्लो पकाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हम इसको चला के धीमी गैस पर छोड़ देंगे, एकदम गैस को एकदम स्लो रखेंगे। देखिए हमारे दूध में बॉयल आने लग गया है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और ये बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा, जिससे कि इसमें दूध भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी गाजर भी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। चलिए अभी गैस की हम फ्लेम लो कर देते हैं। 15 मिनट करीब हो गया, हमारा दूध जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया और गाजर भी पक गए हैं। अभी थोड़ी सी देर और चढ़ाएंगे, 10-15 मिनट में ये हमारा पूरा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए करिए हमारा दूध जो है बहुत सब एब्जॉर्ब हो गया। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं, ये पौनी कटोरी चीनी है, इसके लिए काफ़ी रहेगी। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हमें थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा, चीनी अपना पानी छोड़ेगी। हलवे में कोई भी कलर वगैरह नहीं डालती, बहुत से लोग कलर डालते हैं, लेकिन ये वैसे बहुत अच्छा बनेगा, अपना कलर भी आ जाएगा। देखिए हमारा हलवा तैयार है। अब इसे सेव लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा घी 2 चम्मच, एक चम्मच 2 चम्मच घी हमने पहले भी डाला था इसमें, 2 चम्मच बाद में डाल दिया। क्योंकि हमारा दूध जो था फुल क्रीम मिल्क था, इसलिए हमें ज़्यादा घी की जरूरत नहीं। वैसे भी हम 2 चम्मच पहले डाल चुके हैं, 2 चम्मच अब डाल दिए तो हलवा हमारा बहुत बढ़िया बना। अब इसमें हम डाल के खोया डाल के इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये हमारा हलवा तैयार, हम इसकी करेंगे गार्निश। अभी इसमें हमने थोड़ा सा जो खोया पहले भून के रखा था वो डाल देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर डालेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और ये डालेंगे कटा हुआ थोड़ा सा पिस्ता। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा गाजर का हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।